इस जूस को रात के जब सोने से पहले अगर आप लोग एक गिलास पीते हैं तो आपको नींद की गोली खानी भी नहीं पड़ेगी, आपको इतनी सुकून से नींद आएगी। और मैं सोच भी नहीं सकती कि इतनी गहरी नींद आएगी, सोचेंगे कि आज इकट्ठी नींद आ कहाँ से गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। कैसे हो व्यूअर्स, आप ठीक हो? मुझे लग रहा है आप सब ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र है। आप अल्लाह ताला आपको ठीक रखे और अल्लाह ताला आपके घर में रहमतें बरकतें अदा फरमाए और आपके काम कारोबार में तरक्की अदा फरमाए। और माशाल्लाह आज गर्मियों का सीज़न चल चुका है, गर्मियों के सीज़न में आलू बुखारा नया सीज़न के तरीके से आ चुका है, बहुत मज़े का बहुत अच्छा होता है। आज मैं इसकी रेसिपी लेके आई हूँ, रेसिपी में हम जूस बना कर बनाएंगे, किस तरीके से बनाएंगे और चलते हैं किचन में। जी नाज़रीन, ये देखिए हमने आलू बखरा लिया है, क्वालिटी उसकी अच्छी होनी चाहिए और छोटा बड़ा ना देखें। और सब बनाते हैं लेकिन रेसिपी जो हम बना के दिखा रहे हैं आप लोगों को जूस की, तो वो बनाने का मकसद ये है कि कुछ इसमें बातें होती हैं, कुछ हदायत होती हैं, वो आपको सुनने के मिलती है और तरीक़ाकार होता है जो बनाने में जो मज़ेदार बनता है। कि आपने जूसर मशीन ले लेनी है, जग ले लेना है और इसके अंदर हमने 4 गिलास के मुताबिक हमने बनाना है। ये 4 गिलास है, इसके मुताबिक हमारा कितना आलू बुखारा इसके अंदर जाएगा, हमने 1 गिलास के साथ हमने 2 आलू बुखारा इस्तेमाल करना है, 1 गिलास के हिसाब से 2 आलू बुखारा। तो इसका मकसद है कि हमने इसके अंदर कितने डालेंगे, 8 डालेंगे तो अच्छे वाला और गाढ़ा बनेगा, ठीक है। इसके अंदर मैं चीनी डालूँगी आधी, 1 कप है भर के, तो इसको मैं ना थोड़ा सा बचाऊँगी बाकी डाल दूँगी। ये देखो कप भरा था ना मैंने, इसके अंदर ये जितनी डाली आपके सामने है। अब मैं इसके अंदर पानी डाल दूँगी, इतना फुल नहीं भरना, मैंने कम डालना पानी पहले, बाद में पानी पूरा करूँगी, पहले मैंने कम डालना है। अब मैं इसको स्टार्ट करूँगी, मशीन को चलाऊँगी। ये देखिए नाजी, हमने इसको ग्रैंड कर लिया है, ये बिल्कुल ग्रैंड हो गया है और ऐसे ही आप लोगों ने करना है। अब इस ये छलनी रखी है मैंने और ये पतीली रखी है ताकि इधर उधर ना ना डुले, और खुला बर्तन मैंने ले लिया इसलिए इसमें छान लूँगी। मैंने इसलिए कम डाला था कि मैं छानूँगी उसका, मैं पानी की जरूरत पड़ेगी और इसलिए मैंने अब पानी डाल दिया इसके अंदर। इसको ऐसे काटते ना, चलो अभी ये हो जाएगा सर। ये देखें गुठलियाँ निकल गई, छिलके निकल गए, मिनट में जूस बन गया, इतना टाइम भी नहीं लगा, मिनट में जूस बन गया। आप अपने घर में जूस बनाया करें, बच्चों के लिए जो हमला औरत है उनके लिए और जो बुज़ुर्ग होते हैं उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, जिसको खून की कमी होती है उनके लिए तो बहुत फ़ायदेमंद मुफीद है। 1 आलू बुखारे 2 आलू बुखारे का जूस बना कर 1 गिलास रोज़ाना पियेंगे तो आपकी बोतल, आपको बोतल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, खून की बोतल लगानी पड़ती है ना उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और दिल दिमाग और चेहरे के लिए बहुत फायदेमंद है, चेहरे को साफ सुथरा और वाइट बना देता है और रंगत लाता है, बहुत दिल को सुकून, दिमाग को सुकून। जिन लोगों जिन नाजरीन नाजरीन को नींद नहीं आती तो वो जूस बना कर पिए। आलू बुखारे का जूस हमने छान लिया है, छान के हमने जग में डाल लिया है, इसमें आइस क्यूब्स डाल देंगे गिलासों के अंदर। और ये देखिए मज़ेदार लेकेदार हमारा आलू बुखारे का जूस बिल्कुल तैयार है। और आज का जो हमने आलू बुखारे का जूस बनाया आप लोगों को कैसा लगा, उम्मीद करती हूँ।